सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम सीबीएसई फॉर क्लास 10-12। जैसा कि आप सबको पता था कि रिजल्ट को लेकर कि टर्म वन में कोई फेल नहीं होगा। टर्म वन में कहीं भी आप लोगों के लिए ऑफिशियली सर्कुलर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पे साफ साफ लिखा गया था कि टर्म वन में कोई फेल नहीं होगा, फेल पास का या कोई परसेंटेज का डिसीजन आफ्टर टर्म टू एग्जाम के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन हाल ही में जो अपडेट आई है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कंप्लीटली चौंका देगा, एंड इसीलिए मैंने थंबनेल पर भी लिख चुका है कि आप लोग कंप्लीटली फंस चुके हैं। अब इस फंसने से अच्छा है मेरे प्यारे दोस्तों, हम कैसे निकलेंगे, क्या सारी चीजें पॉजिटिव चीजें आप लोगों के लिए है, वो मैं आप सबको एक एक करके अपडेट दे देता हूं बिना टाइम गवाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक बात आप सबको याद होगा कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने टर्म वन में थोड़ा बहुत स्किप किया था, जो स्टूडेंट टर्म वन में एबसेंट हुए थे, उनके लिए कोई मर्सी नहीं दी गई है, उनके लिए यहाँ पर कोई दया नहीं है, उनके लिए मेरे प्यारे दोस्तों कोई माफी नहीं है। वहां पे आपको जीरो मार्क्स मिला है, मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर संयम भरद्वाज, इतने बड़े ऑफिशियल सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोल संयम भरद्वाज जी ने साफ लैंग्वेज में कहा है कि जो एबसेंटीज थे उन्हें टर्म वन के स्कोर में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हालांकि टर्म वन के रिजल्ट आपने नहीं देखा है, पर अगर जिस भी सब्जेक्ट में आप एबसेंट थे उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ एबसेंट लिखा रहेगा, कोई मार्किंग नहीं की जाएगी। उससे भी बड़ा चीज आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि इसका मतलब, मान लीजिए कि टर्म वन में अगर हम फेल हो गए थे भैया, तो जब हमारा टर्म वन एंड टर्म टू का रिजल्ट, जैसा कि संयम भरद्वाज जो का रिसेंट स्टेटमेंट है कि दोनों को मिलाकर ही हम रिजल्ट बनाएंगे, पहले भी था पर हाल ही में एक नया उन्होंने स्टेटमेंट फिर से इस चीज को दोहराया है, तो क्या भैया हम लोगों का टर्म वन टर्म टू का रिजल्ट एक साथ बनेगा? तो जैसा कि टर्म वन मेरा खराब गया, तो मैं क्या टर्म टू और टर्म वन का रिजल्ट मिलाकर फेल हो जाऊंगा? या फिर मेरा टर्म वन अच्छा नहीं गया था, तो टर्म टू को मिलाकर क्या मैं फेल, मेरा परसेंटेज अच्छे नहीं बनेंगे? बहुत बड़ी अपडेट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरा सा भी स्किप करने का मत सोचिएगा। अब ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपके प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशंस भी वहां पे आए हैं, ठीक है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका बेसिक रीजंस क्या हो जा रहा है, बार बार ऐसे बातें क्यों निकल रही हैं। ये जो चीज है ना वेटेज बढ़ाने का, वहां पे आप देख सकते हैं वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच की बात उन्होंने कही है। अब जैसा कि सारा सिचुएशन तो सब कुछ सही है, एग्जाम्स लेने के लिए कंप्लीटली आपका तैयारी हो चुका है, सीबीएसई का सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है, एंड डिले एग्जाम है आप लोगों का, लेट से एग्जाम होगा, तो यहाँ पे जब फाइनल कैलकुलेशन होगा तब आप लोगों के लिए बड़ा कुछ ट्विस्ट आ सकता है। जैसा कि आपका टर्म वन खराब गया था, तो एक चीज आप याद रखिएगा, मान लीजिए आपका टर्म वन खराब गया, ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अब जैसा कि मेरा पास्ट खराब हो चुका है तो मेरा फ्यूचर भी खराब होगा। ये एक इजी लैंग्वेज में आप सबको बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। जिस तरीके से आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपका रिजल्ट भी सुधर जाएगा। टर्म वन का रिजल्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, टर्म वन में आपके लिए पास फेल नहीं था, ये एकदम सही है, ऑफिशियली है, बट टर्म टू में आपके लिए पास और फेल है। लेकिन टर्म वन का जो रिजल्ट है उसे मिलाकर और टर्म टू को मिलाकर कोई डिसीजन आपके लिए नहीं आएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। आपको कंपलसरी याद रखिएगा, आपको कंपलसरी, आप टर्म वन में फेल हुए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, दैट डजंट मैटर, बट जो सबसे बड़ा मैटर करेगा अब वो है आपका फाइनल रिजल्ट सीबीएसई टर्म टू, और इस टर्म टू में आपको जी जान लगाकर पास होना है, यहां से आपका डिसीजन होगा। मान लीजिए आप टर्म टू एग्जाम में थ्योरी में पास नहीं हो पाए, जैसा कि 33% होता है आपको लाना पड़ता है, 33% लाकर ही आप पास हो सकते हैं, और आपका अगर टर्म टू में 33% नहीं आया मतलब आप फेल होंगे, और अगर आपने टर्म टू में 33% ला लिया है एंड टर्म वन का जो भी आपका स्कोर थोड़ा बहुत रहा है उसे मिलाकर आपके परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ आप पास भी हो जाएंगे। तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन भी था, बेकार में आप डर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर इतनी अर्जेंट अपडेट और डेडिकेटेड वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि बच्चों के मन में ऐसे कई सारे कंफ्यूजन ऑलरेडी, मैं आप सबसे बात करता हूं तो मुझे पता चल ही जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ठीक है, एब्सेंटीज के लिए एक थोड़ा सा निराशा है, अगर आप एब्सेंट हो गए थे तो सीबीएसई आपको मार्किंग नहीं करेगी, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका जब आएगा, वो फाइनल में ही सब कुछ डिसीजन लिया जाएगा। मतलब अभी जो आपके पास 2 महीना है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सीबीएसई कैंडिडेट्स के लिए। आप अन्य स्टेट बोर्ड्स की तरह नहीं है, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, यूपी कैंडिडेट्स, जिनका मार्च में एग्जाम शुरू हो रहा है और उनको बहुत ही कम समय में सब कुछ करना होगा। तो आप लोग द लकीस्ट बैच, एक्सपेरिमेंटल बैच, सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ हो रही है, तो मेक श्योर मेरे प्यार दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि जी जान लगाकर आपको फोड़ना है, एंड आपकी जो कंफ्यूजन टर्म वन का रिजल्ट शायद ही आए, आप बिल्कुल नहीं आ सकता बिकॉज ये तो क्लियर एंड कट हो चुका है, एंड जो कैलकुलेशन होगी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपका, अगर टर्म वन खराब गया, पास्ट खराब गया तो डजंट मैटर, गया है थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा, परसेंटेज थोड़ा बहुत ये वो हो सकती है, बट आप इसको मेकओवर कर सकते हैं फाइनल एग्जाम देकर। तो ये एक अर्जेंट अपडेट फ्रॉम आपके एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भरद्वाज जी का, जिन्होंने रिपोर्टर से बात करके ऐसी बातें बताई, एंड ये रही, मैंने आप सबको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दी। तो मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक आप क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, ऊपर वाले को याद रखेंगे एंड अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।